जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं, ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान, कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालना, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर, समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी, व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुनिए, बड़ा सुंदर संवाद। मकान से कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मकान में रहने वाला व्यक्ति कैसा है, इसका धन देखकर, उसका वैभव देखकर, उसकी संपदा देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी का मन देखकर, किसी का चित्त देखकर, उसका व्यवहार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कैसा है। हम हमेशा एक बात कहते आए हैं, आज फिर आपको कह रहा हूं, आप अपने जीवन में उतारना इस बात को। किसी धनपति के घर में शादी हो, किसी पैसे वाले के घर में शादी हो, किसी धनपति के घर में शादी हो, और एक किसी साधारण व्यक्ति के घर में शादी हो, किसी सहज व्यक्ति के घर में शादी हो, और दोनों की शादी एक ही दिन हो, एक ही तारीख को हो, तो दोनों जगह जाना, अंदाजा लगा कर आना कि पैसे वाले के यहाँ शादी में जाओगे तो केवल दरवाजे पर वेलकम किया जाएगा, उसके बाद तुमसे कोई नहीं कहेगा कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, पर किसी साधारण गरीब व्यक्ति के यहाँ शादी में जाओगे तो वो तुम्हारे लिए आसन लगाएगा, पानी भरेगा, पंखा झेलेगा और तुम्हें भोजन कराएगा। एक साधारण व्यक्ति में उसकी नम्रता, ऐसा नहीं कि धनपति में नम्रता नहीं होती या पैसे वालों में नम्रता नहीं होती, हम ये नहीं कहते कि पैसे वालों में नम्रता नहीं होती, होती है, पर यदि नम्रता का दर्शन यदि करना है, मान सम्मान का यदि दर्शन करना है, नम्रता का दर्शन करना है, मान सम्मान का दर्शन करना है, आदर का दर्शन करना है, तो आप किसी साधारण व्यक्ति का दर्शन कर सकते हैं। एक बात आपसे पूछेंगे, एक बात का अंदाजा आप लगाइएगा, राम जी के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, भगवान विष्णु के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, देवी जी के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, पर कभी आपने सुना कि भोलेनाथ जी के मंदिर में 56 भोग लगा? जम के बोलो जरा, कभी सुना है आप लोगों ने कि भगवान शंकर के मंदिर में कहीं 56 भोग लगा, शिव जी के मंदिर में कहीं 56 भोग लगा? शंकर भगवान के मंदिर में 56 भोग की जरूरत भी नहीं पड़ती। कारण क्या है? शिवजी के मंदिर में 56 भोग क्यों नहीं लगता? शंकर भगवान के मंदिर में दुनिया के लोग चाहे तो 56 भोग लगा दें, पर शंकर भगवान की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में भगवान के आगे 56 भोग लगे और मंदिर के बाहर कोई भूखा सो रहा हो तो मंदिर में भगवान को 56 भोग अच्छे लगेंगे क्या? जम के तो बोलो, अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। सारे देवताओं को 56 भोग लग जाते हैं पर मेरे महादेव को 56 भोग इसलिए नहीं लगते क्योंकि मेरा महादेव पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है, भूमंडल पर रहता है, इस भूमि पर मेरा महादेव रहता है, तो मेरा महादेव ये जानता है अगर मैं 56 भोग खाऊंगा और मेरे मंदिर के बाहर अगर कोई बैठा है, सो रहा है, और कोई गरीबड़ा, कोई भिक्षुक अगर भूखा है तो मेरा 56 भोग खाना बेकार है, इसलिए शिव 56 भोग नहीं पाते।
शिव महापुराण की कथा कहती है भोलेनाथ को 56 भोग भले ना चले, पर भोलेनाथ एक कृपा जरूर करते हैं, मेरा शंकर भगवान 56 भोग नहीं खाता, मेरा शंकर भगवान धतूरा पा लेता है, मेरा शंकर भगवान भांग पा लेता है, मेरा शंकर भगवान बेल पा लेता है, पर मेरा भोलेनाथ 56 भोग नहीं पाता। इतना जरूर है कि तुमको जो शंकर के मंदिर जाता है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव की स्तुति करता है, शंकर की कथा को जो सुनता है, मेरा भोलेनाथ उसको 56 भोग जिंदगी में एक बार जरूर खिला देता है, पर खुद नहीं खाता। मेरा ओघरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी शिव कहा जरूर, उसको तुम्हारे 56 भोग की जरूरत नहीं पड़ती। आप लगाओ, आपकी मर्जी पड़े जिन जिन को 56 भोग लगाओ, पर मेरे महादेव को 56 भोग की जरूरत नहीं। अगर मेरा महादेव प्रसन्न होता है, अगर मेरा महादेव को कुछ प्रिय है, तो तुम्हारे 56 भोग प्रिय नहीं है। मेरे महादेव को अगर प्रिय है तो तुम्हारा बहुत सारा पकवान प्रिय नहीं है। मेरे महादेव को प्रिय है तो तुम ढेरों लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकौड़ा सब ले आओ, मेरे महादेव को प्रिय नहीं है। आप अपने लिए कितना भी 56 भोग जमा, ये गोस्वामी जी से पूछना जो कथा करवा रहे हैं, या जिस अग्रवाल धर्मशाला में हम रुके हैं, जिस अग्रवाल भवन में हम रुके हैं, धर्मशाला में हम रुके हैं, उस भवन में जो भंडारी भोजन बना रहा है उससे पूछना, हम चले जाएं उसके बाद पूछना कि वो इतना सारा भोजन बनाते हैं, क्या सीहोर वाले गुरुजी उतना भोजन उनके भंडार गृह का लेते हैं? हमारा ब्राह्मण खुद एक मूंग की दाल बना देता है, एक हरी सब्जी पालक या लौकी या तुरई या गिलकी बना देता है, और दो रोटी सुबह की हो जाती है, डेढ़ रोटी शाम की हो जाती है, और पकवान पूरा हो गया, समझ लो ये आनंद था। आपने कितनी रबड़ी बनाई, आपने कितना लड्डू बनाया, आपने कितना सामान लेकर आए, आप कितना पकवान बना रहे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी दो रोटी भली, मूंग की दाल भरी और एक सब्जी भरी, बस उतना। और हमारा जो ब्राह्मण देव भोजन बना दे, बस वो दो रोटी प्रेम की जो पाई उसका सुख। मेरा महादेव, मेरा शिव, मेरा ओघरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शंकर, देवाधिदेव महादेव, मेरा देव घर वाला 56 भोग नहीं पाता। उसका एक नियम है, मैं 56 भोग खाऊंगा, और मेरे मंदिर के बाहर अगर कोई भूखा सो रहा है तो मेरा 56 भोग खाना ठीक नहीं है। मेरा महादेव कहता है मैं भांग खा लूंगा, मैं धतूरा खा लूंगा, मैं बेल खा लूंगा, मैं बेल का फल पा लूंगा, पर 56 भोग तुम्हारे भाग्य में लिख दूंगा, तुम्हारी किस्मत में लिख दूंगा कि तुम आनंद पाओ, तुम सुख। तुम्हारे पास में कितनी दौलत है ना, शंकर जी को उसे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास में कितना वैभव है ना, देवाधिदेव महादेव को उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास में कितनी फोर व्हीलर गाड़ी है ना, उससे महादेव को कोई मतलब नहीं। महादेव को अगर मतलब है तो केवल तुम्हारी भक्ति से मतलब है, केवल भक्ति। और जो भगवान शंकर की अविरल एक कबीरदास जी का बड़ा सुंदर चरित्र आता है, कबीरदास जी के घर के पास में, कबीरदास जी के झोपड़े के पास में, घर के पास में एक नाचने वाली नर्तकी ने, एक नाचने वाली सबको प्रसन्न करने वाली नर्तकी ने अपना घर कबीरदास जी के पास में बना लिया। अब कबीरदास जी के यहां तो संतों का डेरा लगा रहता था, कबीरदास जी के यहां तो साधु संत पड़े ही रहते थे, जो टोली आती थी वो कबीरदास जी के यहां चली जाती थी, और वहां पर कबीरदास जी के यहां रहते, भजन करते, भोजन करते, चले जाते। कबीरदास जी क्या पड़े हैं, संत साधु भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, भजन कर कर चले जा रहे हैं। अब देखिए कबीरदास जी के बाजू में नर्तकी ले रही है, एक नाचने वाली जिसने मकान बना लिया, कबीरदास जी के बिल्कुल बाजू में रह रही है, अच्छे से रह रही है। कबीरदास जी के यहाँ संत आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, तपस्वी आ रहे हैं, साधक आ रहे हैं, उपासक आ रहे हैं, और वो नर्तकी जो रोज शाम होते से ही दीप लगाते से ही नाचना चालू कर देती है, और उसके यहां भी लोग आ रहे हैं। कबीरदास जी के यहाँ
साधु सन्यासी संत महात्मा आते हैं और नर्तकी के यहाँ उसके जो चाहने वाले हैं, उसके नृत्य को देखने वाले, उसके स्वरूप को देखने वाले आते हैं। भीड़ उसके यहाँ भी है, भीड़ इसके यहाँ भी है। नर्तकी ने अपने पड़ोसी के यहाँ देखा तो संत संत ढेर, बड़े सुंदर सुंदर संत नर्तकी ने देखा, कबीर के यहाँ बैठे हुए हैं। नर्तकी के हृदय में ईर्ष्या जाग गई। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है ना, उसको संत अच्छे नहीं लगते। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसको शिव महापुराण अच्छी नहीं लगती। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसको मंदिर अच्छा नहीं लगता। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसको धर्म और भगवत की भक्ति अच्छी नहीं लगती। कैसे अच्छी नहीं लगती, अंदाजा लगाना। पाप बढ़ता है तो भगवान अच्छा नहीं लगता, प्रवचन अच्छे नहीं लगते, शिव पुराण अच्छी नहीं लगती, शंकर मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, लोगों की सीख देना अच्छा नहीं लगता, कोई आपको समझाए आपको अच्छा नहीं लगता। जब पाप बढ़ता है तो अच्छे कार्य अच्छे नहीं लगते। उसी तरह जैसे पाप बढ़ा तो कथा भागवत सत्संग भजन संत मंदिर अच्छे नहीं लगते। उसी तरह जैसे पाप बढ़ने पर ये अच्छे नहीं लगते, उसी तरह शरीर में ताप बढ़ने पर, ताप मतलब बुखार, शरीर में जब बुखार आता है ताप बढ़ता है तो ईमानदारी से बोलो भोजन अच्छा लगता है क्या? जम के बोलो जरा, भोजन अच्छा लगता है? नहीं। ताप बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता, ताप बढ़ता है बुखार बढ़ता है, बहुत ज्यादा फीवर जब बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता। और ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हें शिव पुराण अच्छी ना लगे, जिस दिन तुम्हें भजन अच्छा ना लगे, जिस दिन तुम्हें कोई मंदिर जाना अच्छा ना लगे, जिस दिन तुम्हें कोई सत्संग में जाए तो अच्छा ना लगे, जिस दिन तुम्हें कोई भगवान की भक्ति में डूबता हुआ अच्छा ना लगे, समझ लेना कि तुम्हारे को पाप ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हमारा मन कथा सत्संग भजन कीर्तन में नहीं लग रहा, हमारे स्मरण में नहीं लग रहा। जरूर मेरे जैसे ताप बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है, बुखार बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है, पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, पाप बढ़ता है तो शिव महापुराण छूट जाती है, पाप बढ़ता है सत्संग छूट जाता है, पाप बढ़ता है मंदिर छूट जाता है। उस नर्तकी ने ये मन में विचार करा कि मेरे यहाँ लोग कम आते हैं और इस कबीरदास जी के यहाँ ज्यादा जाते हैं, अंदर से पाप ज्यादा बढ़ गया। तो उस नर्तकी ने अपने चाहने वाले से कहा, लगा दे आग कबीरदास की कुटिया में। नर्तकी ने अपने चाहने वाले से कबीरदास जी की कुटिया में आग लगाई। कबीरदास जी की कुटिया धधक धधक कर जल रही थी। कबीरदास जी से किसी ने कहा, तुम्हारा मकान जल रहा है। कबीरदास जी बोले, जलने दो, क्या करें, जल जाए तो जल जाए, उसने बनवाया था उसी ने आग लगा दी, अपन क्या कर सकते। अब क्या हुआ, कबीरदास जी तो बैठ गए भजन गाने, हवा का झोंका चला और हवा जाना थी इधर, हवा का झोंका पड़ गया वेश्या के घर के उधर, और मालूम पड़े 2 मिनट में वेश्या का घर भी खाक हो गया। उस नर्तकी का घर भी खाक हो गया, उस वैश्या का घर भी खाक हो गया। वैश्या दौड़ती दौड़ती कबीरदास जी के पास पहुंची। कबीरा कबीरा, बाबा जी, संत जी, गुरु जी, ये तो बताओ तुमने ये क्या कर दिया। इतने में कबीरदास जी बोले, बहन मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। कबीरदास जी, तुम्हारे घर में आग लगी थी, मेरे घर में आग कैसे लग गई? कबीरदास जी मां कहते हैं, मालूम नहीं पर इतना जरूर जानता हूं, तेरे यार ने मेरे यहाँ आग लगा दी और मेरे यार ने तेरे यहाँ आग लगा दी। तेरे यार को तो घासलेट के तेल की जरूरत पड़ी थी, माचिस की जरूरत पड़ी थी, मसाल की जरूरत पड़ी थी, पर मेरा जो यार है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो आग लगाता है तो लोग देखता रहता। इतनी चाहत। कबीरदास जी ने नर्तकी से कहा, दुनिया के लोगों ने तेरा स्वरूप देखकर तुझे चाहा है, पर एक भक्त जो होता है ना, उसको भगवान कभी नहीं दिखता, उसके बाद भी वो उसको दिल से चाहता है। जो दिखता नहीं है ना, वो भी बिना देखे ही कुछ कमाल कर कर चला जाता है। वो आता है और कब कमाल करता है पता नहीं। एक पत्र आया, मेरा नाम रुचि पांडे है, पति का नाम मिकलेश पांडे है, मोहल्ला माल गोदाम रोड वार्ड संख्या 12 खगड़िया के निवासी है। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार।
मेरा नाम रुचि पांडे है, पति का नाम मिखिलेश पांडे है, मोहल्ला माल गोदाम रोड वार्ड संख्या 12 खगड़िया की निवासी हूँ गुरुदेव। बाबा की महिमा का क्या बखान करूँ गुरुदेव। मेरी शादी 2015 में हुई थी, 2015 में शादी हुई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई गुरुदेव। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं हुआ। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, टेस्ट बेबी करवाया पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। पर आपकी शिव महापुराण की कथा पहली बार सुनना प्रारंभ करी और उसमें ऐसा मन लगा कि बाबा से दिल से टीवी के सामने प्रार्थना करी, बाबा मेरी गोदी भर दो, मुझे संतान दो। बाबा गुरु जी की कृपा और शिव की कृपा से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा, शंकर को जल चढ़ाती, आचमन करती, बेलपत्र चढ़ाती, उसको पाती। बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। मैंने दो बार पशुपति व्रत करने के बाद बाबा से जो प्रार्थना करती रही, एक बार में काम नहीं हुआ, दूसरी बार करा, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरे दोनों पशुपति व्रत का फल मुझे दे दिया और मेरी गोदी में दो संतान दे दी। दोनों को लेके आई हो, लिया। मेरे यहां बाबा ने दोनों पशुपति व्रत का फल दिया, एक बेटा और एक बेटी मेरी गोदी में डाल दिया। ये शिव तत्व है, ये शंकर। 2015 से मेरे यहां संतान नहीं थी गुरुदेव। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर सुख नहीं। शिव कथा करते हैं। खाली ना जाता कोई दर से, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। बिहारी इतना धीमा बोले अच्छा नहीं लगेगा। बिहारी की आवाज तो बड़ी बोल्ड होती है हर जगह पे, तो तुम धीमा कैसे हो गए? जरा अच्छे से बोलेंगे। खाली जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से मैं भी खड़ा हूँ नन्नी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, हम शिव की भक्ति करें, हमारा विश्वास पक्का होगा तो ये निश्चित है मेरा देवाधिदेव महादेव थोड़ा नहीं देता। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, वो कम नहीं देता, कम कभी दिया ही नहीं। उसकी भक्ति का बल बढ़ा, उसका विश्वास बढ़ा, याद रखिए। पाप बढ़ता है, पाप अगर बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता, पाप बढ़ता है तो शिव पुराण अच्छी, पाप बढ़ता है तो सियोर वाला महाराज भी अच्छा नहीं लगता। समझ लेना कि पाप थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए सत्संग भजन संत कीर्तन स्मरण अच्छा नहीं लगता। जांच करो अपने शरीर की, बुखार बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, ताप बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता और पाप बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता। करिए पूरा घर भजन नहीं करता, पूरा घर कथा नहीं सुनता, पूरा घर शिव के मंदिर नहीं जाता, पूरा घर शिव महापुराण में नहीं जाता, पर अपने घर में कोई एक व्यक्ति अगर ऐसा है जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान से लगा हुआ है तो समझ लेना कि वो पूरे घर को पार लगा रहा है। एक अकेला किसी ने कहा, गुरुजी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाले, शंकर का भजन करने वाले, शिव महापुराण कथा श्रवण करने वाले, शंकर के मंदिर में जाने वाले, शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाने वाले, इनकी 71 पीढ़ी तर जाती है। आप कह रहे हो 71 पीढ़ी तर जाती है, हम कह रहे हैं हाँ शिव महापुराण वर्णन करती है, उसमें क्या दिक्कत, ऐसा होता है।
हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे काका बाबा रिश्तेदार में अगर कोई मर गया तो उसकी सूतक तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे बोलो, जम के बोलो, लगेगी ना। पांच छह पीढ़ी में कोई मर गया, सूतक तुमको लगेगी। पांच छह पीढ़ी में किसी के यहां बच्चा हो गया, बेटा हो गया, सावड़, तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। जब तुम्हारे सात पीढ़ी में अगर कोई मरता है तो सूतक तुमको लगती है। उसी तरह जो एक लोटा जल चढ़ाता है उसके पुण्य का आनंद 71 पीढ़ी तक चले जाता है। यह कोई साधारणता नहीं समाज, पुण्य 71 पीढ़ी तक जाता है। 71 आपका करा गया भजन, आपका किया गया कीर्तन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण, ये आपकी कई पीढ़ियों को तार देता है, कई पीढ़ियों। अगर तेरे यार ने मेरे घर में आग लगाई तो मैं जिसका भजन करता हूं वो भी तो मेरा यार है, और वो कोई हल्का फुल्का यार नहीं है, साधारण नहीं है। तेरा यार तो माचिस से आग लगाता है, वो माचिस भी नहीं पकड़ता, केवल नेत्र से देख लेता है और आग लगा देता है, वो कोई साधारण नहीं है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। आप इतनी संख्या में आए हो, आज पूरा रोड जाम पड़ा हुआ है, तुम्हें भी आने में कम से कम रोड पे से कम आधा पौन घंटा लग गया होगा केवल जाम में से निकलने में। बोलो सही है कि गलत है? और अभी भी तुम इतने अंदर बैठे हो उतने ही जाम में फंसे हैं। जितने बैठे हो ना इस ग्राउंड में उससे कम से कम 50% रोड में, ऑटो में, रिक्शे में, बस में, गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, ट्राली में, ट्रैफिक में फंसे हुए उतने। और ये जाम अभी का नहीं है, सुबेरे 9 बजे से 8 बजे से जाम लग चुका था, और वो जाम में लोग धीरे धीरे, वो तो तुम ना जाने कौन सी किस्मत लेके आए हो तो यहां तक पहुंच भी गए हो। पूरा हाईवे जाम पड़ा हुआ है, पूरा हाईवे, और लोग हम पे इल्जाम देते हैं कि ये सीओर वाला महाराज जब देखो जब जाम करवा देता है। अब हमने किसी से कहा कि तुम जाम लगाओ? अरे भाई, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचा। अगर ये कलयुग में शिव युग दिख रहा है, अगर ये कलयुग में इतने भक्त नजर आ रहे हैं, पंडाल छोटे पड़े जा रहे हैं, अगर कलयुग में कहीं कोई को सभा करना होती है ना किसी अच्छे से अच्छे को भी, अगर विद्वान से विद्वान नेता को भी सभा करना रहती है तो 200-300 और खाना और गाड़ी सब लगी होती है, पर उसके बाद भी लोग सभा में नहीं पहुंचते। यहां तो 500 भी तुम्हारे लगे हैं और पंखा भी तुम्हारा है, और चलकर भी तुम पहुंचे हो, उसके बाद भी शिव की भक्ति में डूबे पड़े हुए हो। यह शिव तत्व, यह शिव की भक्ति है। और ये कथा तो कल समापन हो जाएगी, कल तो टीवी पर कथा 2 बजे से 5 बजे होगी, पर यहां पर जो खगड़िया में जो कथा होगी वो सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी। ये कथा तो यहाँ कल 12 बजे विराम हो जाएगी, टीवी पे 2 से 5 देख लोगे। अब यहाँ टीवी पे जितने सुन रहे हैं ना राजस्थान वाले, उनके बेग तैयार हो चुके हैं पुष्कर राज आने के लिए, जितने राजस्थान के, ये केवल एक जगह का कम नहीं है। और तो राजस्थान वालों का भला हो, उनको 2 कथा मिली है एक सावन के महीने में, एक पुष्कर राज में मिली है ब्रह्मा जी का। भारत की भूमि में केवल एक ही मंदिर है पुष्कर जी में, पूरे दुनिया में एक मंदिर ब्रह्मा का पुष्कर राज में। तो एक तो मिल गई पुष्कर राज अजमेर वालों को, और दूसरी मिल गई, वो कथा 5 तारीख से चालू होगी, 11 तारीख को विराम होगी, 1 बजे से 4 बजे तक होगी, 11 तारीख को विराम होगी, 12 तारीख को अलवर राजस्थान में चालू हो जाएगी। तो ये 2 कथा राजस्थान वालों को मिल गई, और दोनों का समय 1 बजे से 4 बजे तक, 5 से 11 यहाँ चलेगी, 11 तारीख को वो पूरी होगी, 12 तारीख को वहां चालू। भक्ति में डूबे हुए हैं। महाराज, मकान देखकर किसी का अंदाजा मत लगाना, मकान तो किसी का भी अच्छा हो सकता है, बंगला किसी का भी सुंदर हो सकता है।